नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। धारचूला में लॉकडाउन के चलते नेपाली नागरिकों को राहत कैंपों में रखा गया है। इंटर कॉलेज जौलजीबी, बलुआ कोर्ट, फायर स्टेशन निगलापानी, मिनी स्टेडियम धारचूला में नेपाली नागरिकों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्हें भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि जब तक वो वहां पर हैं तब तक उनका ख्याल रखा जाएगा। नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ और युवा कल्याण विभाग के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बेरीनाग विकासखंड के लोहाथल में युवतियों ने 500 से अधिक मास्क तैयार किए हैं, जिन्हें घर पर जाकर लोगों को वितरित किया जा रहा है। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक दीक्षा कार्की और योगेश मेहरा ने खेतों में भी कार्य करने वाले लोगों को मास्क का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। आज हमने पूरे गांव लोहाथल गांव में मास्क वितरित किए हैं, जो कि गांव की महिलाओं और बेटियों ने खुद बनाए हैं। और हमारे साथ इसमें नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स और जो हमारे धीरज जोशी सर और हमारे गांव के प्रधान जी ने हमारा सहयोग किया है। वो भी हमारे साथ पूरे गांव में मास्क वितरित करने में हमारे साथ आए, और मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमें अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए चमोली जनपद में अब तक 24 क्वारंटीन फैसिलिटी केंद्र बनाए गए हैं। जिला अस्पताल गोपेश्वर को एक आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें 85 बेड उपलब्ध हैं। इसके अलावा वेंटिलेटर और लजटों की भी कमी नहीं है। जिले में बाहरी व्यक्तियों के आगमन पर जांच करने के लिए 5 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, ताकि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मेडिकल जांच की जा सके। जिले में 12 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिनमें से 4 डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग ले ली है। जो 12 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी बॉन्डेड, उनमें से 4 ने ज्वाइन किया है आज की डेट तक, और बाकी का प्रतीक्षा है भी कि जरूर आके ज्वाइन करेंगे। कुछ 18 डॉक्टरों को गवर्नमेंट ने, जो पहले बॉन्डेड थे, उनको रेगुलराइज कर दिया गया है। टिहरी में नागरिक मंच ने शहर में लगभग 200 परिवारों को राशन देने के बाद अब गांव की तरफ रुख कर लिया है। लगभग 50 परिवारों को सैट क्षेत्र में राशन उपलब्ध करवाया गया, और भी जरूरतमंदों को चिन्हित करके उन्हें राशन एवं जरूरी सामान दिया जा रहा है, जिससे उनका चूल्हा जल सके। नागरिक मंच की तरफ से एवं सेम नागरजा मंदिर समिति की ओर से जो हमारे गांव की तरफ जो होटल थे, जो रिसोर्ट थे, वहां पर जो दैनिक मजदूरी में जो काम करते थे, वो लोग आज जो है भूखे प्यासे हैं वहां। उनको कोई सुध लेने वाला नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि शहर से गांव की तरफ जाया जाए। तो गांव में जो है हम पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। टिहरी में नगर पालिका क्षेत्र कोटी कॉलोनी में TSDC की बिल्डिंग निर्माण कार्य में लगे करीब 21 मजदूर और उनके परिवार वालों को लॉकडाउन के कारण खाद्यान्न संकट से जूझना पड़ रहा है। सेवा TSDC ने इन मजदूरों को राशन उपलब्ध करवाया था, लेकिन वो राशन खत्म होने के बाद इनके सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई। मजदूरों ने नगर पालिका और जिला प्रशासन से राशन उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सीमा कृषाली ने बताया कि कोटी कॉलोनी वार्ड के सभासद को मौके पर जाकर स्थिति की जानकारी मंगवाई गई है। पालिका की ओर से राशन दिया जाएगा। गढ़वाल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल पौड़ी के प्रधानाध्यापक सकलानंद नौटियाल ने अपनी ईमानदारी की कमाई की एक महीने की तनख्वाह करीब 74,200 रुपए प्रदेश को कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दी है। इसके अलावा बिना दिखावा करते हुए सकलानंद गुरुजी ने 3 गरीब परिवारों को हफ्ते भर का राशन मुहैया करवाया है। साथ ही 3 परिवारों को आर्थिक मदद भी की और 4 अन्य परिवारों को 15-15 किलो राशन भी बांटे। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी नौटियाल स्कूल में कई तरह के काम कर चुके हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक माह का वेतन 74,102 रुपया भेंट स्वरूप दान किया है। मैं चाहता हूं इस कोरोना महामारी में मैं भी कुछ योगदान कर सकूं, और मैंने भी अपने सरकार के साथ थोड़ा अपना योगदान दिया, इससे मैं प्रसन्न हूं। पौड़ी के पास रहने वाले एक बुजुर्ग शिक्षक दंपति यशपाल सिंह नेगी और उनकी पत्नी चंपा नेगी ने अपनी पेंशन धनराशि में से 1,00,000 रुपए के चेक पौड़ी के जिलाधिकारी धीरज गबरियाल को सौंपे हैं। दंपति ने ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना संकट से लड़ने और गरीब एवं लाचार लोगों की मदद के लिए दी है। बुजुर्ग नेगी दंपति पूरे इलाके में पूर्व से ही गौ सेवा के कारण भी चर्चाओं में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बहुमंजिला मकान को किराए पर देने या फिर कोई अन्य व्यावसायिक उपयोग न करने के बजाय निराश्रित गायों को भी आश्रय देने में समर्पित किया हुआ है। जी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और जो आवारा पशुओं के संरक्षण में उनको चारा देने में लगातार उनको शरण देते रहते हैं। तो उन्होंने आज उन्होंने 1,00,000 रुपये अपने नाम से और 1,00,000 रुपये अपने धर्मपत्नी जी के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष में ये 2,00,000 रुपये में दिए हैं। जैसे कि आज संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, मुझे बेहद गर्व है कि मेरे माता पिताजी ने CM रिलीफ फंड में 1,00,000 की धनराशि डोनेट की है। मेरे माताजी पिताजी, जो कि काफ़ी समय से गौ सेवा करते आ रहे हैं, हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है।
दो चक दिए, एक अपने मिसेज का, एक लाख का, और दूसरा चक अपने नाम से, वो भी एक लाख। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।